दोस्तों, भारत क्यों कभी नहीं बना सकता एडवांस लड़ाकू विमान? काफी बड़ा सवाल है ये। भारत आज के समय में बहुत से एडवांस वेपन पर काम कर रहा है। बीते कुछ सालों में भारत ने ऐसे कई हथियारों को बनाया है जो दुनिया के एडवांस और मॉडर्न हथियारों को तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। भारत आज स्पेस और रॉकेट तकनीक के मामले में आसमान को छू रहा है। इतना विकसित हो चुका है हमारा भारत, मगर फिर भी आज तक भारत एडवांस फाइटर जेट क्यों नहीं बना पाया? ऐसे फाइटर जेट जो दुनिया के आधुनिक तकनीकों और अपने दुश्मनों को टक्कर दे सके। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो फाइटर जेट को बनाने में ऐसा क्या मुश्किल है जो भारत अभी भी दुनिया के बाकी देशों से पीछे है? भारत मंगल तक मंगलयान भेज सकता है, अग्नि 5 मिसाइल को भी बना सकता है, तो वो एक एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट को क्यों नहीं बना सकता? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत रॉकेट मिसाइल जैसे हथियारों को बनाने में माहिर हो चुका है। और यह भी सच है कि एक रॉकेट इंजन और फाइटर जेट इंजन एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, मगर फिर भी जब भारत ने अपना खुद का फाइटर जेट बनाने का फैसला लिया तब भारत के लिए किसी और देश का इंजन लेना भारत के लिए मजबूरी बन गया। और आज भी भारत अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने में असफल रहा है। भारत के लड़ाकू विमान दुनिया के लड़ाकू विमानों के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, रॉकेट इंजन की तरह जेट इंजन भी इंटरनल प्रेशर डिफरेंशियल के जरिए थ्रस्ट पावर जनरेट करता है। दोनों ही इंजन न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी रॉकेट इंजन और जेट इंजन एक दूसरे से काफी अलग है। रॉकेट इंजन स्पेस पर संचालित किया जाता है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए इसके इंजन में अपना खुद का ऑक्सीजन का सोर्स होना काफी जरूरी होता है। जबकि जेट इंजन अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए हमारे वातावरण के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। एक रॉकेट इंजन को कंट्रोल्ड पावर की जरूरत नहीं होती, इसे स्पेस में जाना होता है, इसीलिए इसे कितनी भी पावर दी जा सकती है। लेकिन जेट इंजन को बैलेंस्ड पावर देनी होती है, वरना वो ऑपरेटर के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, इसीलिए उसके इंजन में बैलेंस्ड पावर का होना काफी जरूरी होता है। अगर कभी किसी जेट में रॉकेट इंजन को लगा दिया जाए तो यूं समझ लीजिए कि उस फाइटर जेट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो इतना पावरफुल होगा कि उसे पायलट कंट्रोल ही नहीं कर सकेगा। अब चलिए जानते हैं कि ये जेट इंजन काम कैसे करते हैं और कैसे इन्हें बनाया जाता है। उदाहरण के लिए आप एक टर्बो जेट इंजन को ले लीजिए जो एक एयर ब्रीदिंग इंजन है। जिस लड़ाकू विमान में इसे लगाया जाता है उसे सिर्फ फ्यूल कैरी करना होता है, क्योंकि उसे बर्न करने के लिए इंजन को वातावरण के ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो आसानी से पूरी हो जाती है। इस तरह के इंजन में एक इंटेक होता है जिससे हवा कंप्रेसर ब्लेड तक पहुंचती है। इसी हवा से इंजन थ्रस्ट को पैदा करता है, इसीलिए ये एयर इंटेक जो हवा को अंदर पहुंचा रहा है उसे अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। तरह तरह की व्यवस्था की जाती है ताकि बैलेंस्ड एयर ही कंप्रेसर तक पहुँच पाए। कंप्रेसर का काम है एयर को निचोड़कर छोटे स्पेस में रखना। इससे एयर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल को कम स्पेस में दबाना एक तरह से जबरदस्ती एयर मॉलिक्यूल को एक साथ मिलाना है, जिससे हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और तापमान बढ़ जाता है। कंप्रेसर में हर स्टेज पर एरिया कम हो जाता है और उसी के हिसाब से अलग अलग तरह के ब्लेड लगे होते हैं। एयर प्रेशर और टेम्परेचर हर स्टेज पर काफी तेजी से बढ़ता है। ये कंप्रेस्ड एयर आगे कंब्यूशन तक जाती है जहां एयर पास होने के लिए छोटे छोटे होल्स होते हैं और फ्यूल पास करने के लिए माइक्रो होल्स होते हैं। एयर फ्यूल के मिश्रण को स्टॉर्क प्लग द्वारा चलाया जाता है। एक बार शुरू हो जाने के बाद आग खुद से लगातार लगती रहती है। यह हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जलती हुई गैस बड़ी तेजी के साथ टर्बाइन ब्लेड से होकर गुजरती है, जिसके कारण प्लेट्स घूमते हैं और एग्जॉस्ट गैस से एनर्जी टर्बाइन को ट्रांसफर होती है, जिसके कारण इन गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है। हाई प्रेशर टर्बाइन के घूमने के कारण हाई प्रेशर कंप्रेसर घूमता है, क्योंकि दोनों एक ही सॉफ्ट पर फिक्स्ड होते हैं। इसी प्रकार लो प्रेशर टर्बाइन और फ्रंट फैन और लो प्रेशर कंप्रेसर को घुमाता है। एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलने से पहले नोजल से होकर गुजरती हैं, जहां एग्जॉस्ट गैसेस की बची हुई कुछ एनर्जी को नोजल द्वारा हाई स्पीड जेट में बदल दिया जाता है, जिसके कारण इंजन पर आगे की तरफ थ्रस्ट लगता है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर जेट इंजन काम कैसे करता है। ये तकनीक सभी को मालूम है। दोस्तों, हमने देखा है कि इंजन में अलग अलग लेवल का एयर प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट करना पड़ता है, जिसके लिए इंजन का मटेरियल बहुत ही अलग तरह का होता है,
जिससे इंजन की बॉडी बनाई जाती है वो अलग, ब्लेड जिससे बनाई जाएगी उसका मटेरियल अलग, और जो कंप्रेसर टरबाइन आदि बनाई जाएगी उसका मटेरियल भी अलग। उदाहरण के लिए अगर टरबाइन ब्लेड की बात करें तो ये इतने मजबूत होने चाहिए जो लंबे समय तक हाई टेम्परेचर को झेल सके। अगर इसमें आम मटेरियल यानी लोहे का इस्तेमाल किया जाए तो ये इतने हीट और तापमान के कारण लोहे की शेप बदल जाएगी। और लोहे के अलावा भी बहुत से मटेरियल होने चाहिए जिन्हें प्रोड्यूस करना या अरेंज करना मुश्किल तो है ही, साथ ही बहुत महंगी भी है। दोस्तों, सिर्फ मटेरियल की कमी होना या पैसों की कमी होना एक कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं जिस वजह से भारत जेट इंजन नहीं बना पाता। एक कारण यह भी है कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी काफी मुश्किल है, जिसे डेवलप करने के लिए टाइम और एक्सपीरियंस का होना काफी जरूरी है। जेट इंजन को बनाने के लिए भारत को ऐसी वर्क फोर्स चाहिए जिसका इसी सेम फील्ड में 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिर भी एक जेट इंजन को पूरी तरह से डेवलप करने में तकरीबन 15 से 25 साल लग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए बहुत से डेवलपमेंट प्लांट्स, टेस्ट फैसिलिटीज, स्किल और बहुत से अरेंजमेंट होनी चाहिए, और इन सभी चीज़ों का इंतजाम और सारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट पहले से ही करने होते हैं, ऐसे अरेंजमेंट जो 15 सालों तक चल सके। इसीलिए किसी लड़ाकू विमान को बनाने के लिए उसका इंजन खरीदना बनाने से ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने कभी कोई जेट इंजन बनाने की कोशिश नहीं की। फिलहाल DRDO का कावेरी इंजन प्रोग्राम भी प्रोसेस में है, जिसके तहत भारत कावेरी डेरिवेटिव इंजन विकसित कर रहा है। ये 8000 से 10000 किलो का थ्रस्ट पैदा करने वाला इंजन होगा, जिसकी तकनीक काफी ज्यादा पेचीदा है। कहा जा रहा है कि भारत का कावेरी प्रोग्राम फेल हो चुका है, लेकिन असल में इस प्रोजेक्ट को अभी उतना समय ही नहीं हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को फेल्ड घोषित कर दिया जाए। भारत को 15 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा जेट इंजन बनाने में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत अपना खुद का जेट इंजन कब तक बना सकता है? 10 साल, 15 साल या फिर 25 साल में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।